हम यहाँ 3 दिन के लिए लद्दाख में हैं। अभी मैं यहाँ से संस्कार के लिए जा रहा हूँ और वहाँ मीटिंग करके फिर मैं इस तरफ ले तरफ आऊँगा। इस बार यहाँ हमारा जो बीजेपी कैंडिडेट के लिए मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ गलत फहमी यहाँ फैला के रखा हुआ है। और करगिल साइड में कुछ लोगों ने भड़काया है और सारा मुस्लिम एक साथ होना है, इस तरह से ये गलत तरीके से बात फैला के रखा हुआ है, उसको दूर करना है। हमारे लिए बुद्धिस्ट मुस्लिम ऐसे कुछ नहीं है, सब अपने हैं। और मोदी जी का सबका साथ सबका विकास मंत्र लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम काफ़ी चीज़ तो क्लियर किए हैं और थोड़ा सा और करना पड़ेगा। और यहाँ कुछ मुद्दे हैं, कुछ एजिटेशंस किए थे, अनशन में थे, तो उनका मुद्दा जो भी है वो भी बीजेपी ही ठीक करेगा, क्योंकि दूसरा सरकार तो बनना नहीं है। तो इसलिए बीजेपी का एमपी के लिए हम लोगों ने अच्छा प्रचार अभियान शुरू किया है। और लद्दाख के लोगों को मोदी जी ने यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दे करके और जितना स्कूल मेडिकल यहाँ रास्ता बनाया है, बिजली पानी सड़कें, जितना काम मोदी जी ने किया है उसको लोगों तक तो फिर से याद दिलाना है कि ये सब मोदी जी आया है तभी इतना काम हुए हैं, वरना कांग्रेस के ज़माने में कोई लद्दाख को पूछने वाला नहीं था। तो अच्छा काम चल रहा है। अभी हम लोगों का थोड़ा सा लोगों तक तो पहुंचना जरूरी है, इसलिए मैं आया हूँ। अभी कश्मीर में भी हो रहा है इसलिए। अभी तक जितना जो चरण में इलेक्शन का प्रोसेस हुआ है, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से लेकर के वेस्टर्न साउथ इंडिया और नॉर्थ में जितना भी पोल हुआ है अभी तक इंटरनली, और हम लोग जो ऊपर से भी देखता है, रिपोर्ट से भी जो देखता है, उसमें तो मोदी जी का लहर तो बहुत ज़ोर से है। और पिछली बार का जो रिजल्ट है उससे भी अच्छा इस बार करेगा। 2019 में जितना लहर था मोदी जी का, उससे भी बड़ा लहर 2019 में हुआ था और हमने 303 सीट जीते थे। इस बार उससे भी कई अधिक सीटें आने का संभावना है, क्योंकि पूरा देश भर में लहर है। और जो 14 में जहां लहर नहीं पहुंचा, खास करके साउथ इंडिया और कुछ एरिया में, वो भी इस बार पहुंच गया है। तो मेरे ख्याल से ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग इलेक्शन रिजल्ट इस बार बीजेपी का समर्थन में एनडीए के पक्ष में आएंगे।